पहले आपको क्या करना है, लेमन का एक पीस लेना है, उसको कट करना है बीच में से। अब आपको ग्लास के चारों तरफ ये लेमन घुमाना है ताकि जो उसका जो रस है वो उस पर लग जाए। अब ये ग्लास को हमें सॉल्ट में उल्टा करना है ताकि ये सॉल्ट चिपक जाए। अगर आपको चाहिए कि ये सॉल्ट नहीं चाहिए तो आप इसको रिप्लेस करके शुगर भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें अपना लेमन स्क्वीज कर देंगे। ये हमने हाफ लेमन लिया है, उसको हम लोग स्क्वीज कर देंगे। पुदीने को यहाँ पे अभी हमने वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद हम इसको मॉर्टर और पिस्टल में रफली क्रश करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको रफली इसलिए क्रश करते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है और ज़्यादा इन्हांस हो जाए, और जैसे ही आप क्रश करेंगे आपको एक अलग सी फ्रेगनेंस आएगी और वो फ्रेगनेंस से ही ये सोडा की टेस्ट और बढ़ जाती है। अब इसमें हम लोग ये पुदीना डाल रहे हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/8 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक, 1/8 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/8 टीस्पून चाट मसाला, 1/8 टीस्पून सॉल्ट। ये सब डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमारा ग्लास ऐसा है तो हम लोग इसमें स्पून नहीं डाल सकते, तो इसमें हम लोग ये बटर नाइफ यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए। ये मिक्स हो जाने के बाद इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है सब फ्लेवर्स की, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग डालेंगे आइस क्यूब्स। ये आइस क्यूब्स हमने पहले ही क्रश करके रखे हैं। क्रश करने से क्या होता है, ठंडा जल्दी होता है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग फुल आइस क्यूब लेते हैं। अभी हम लोग इसमें डालेंगे हाजमोला। दो हाजमोला लेने, एक ग्लास के लिए दो हाजमोला सफिशिएंट है। अभी हम इसका पाउडर बना के डालेंगे। अभी हमने दो हाजमोला को डाल दिया है पीस के। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम लोग डाल रहे हैं इसमें अपनी सोडा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। जो लेमन हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था उसको हम साइड में लगा देंगे। ये रेडी हो गई हमारी हाजमोला सोडा ड्रिंक। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि कैसा है।